स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में इंटर स्कूल रोबोटनिकल वर्कशॉप का उद्घाटन नगर के वशिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसएम ईसा ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर ईसा ने उद्घाटन से पूर्व विद्यालय में चल रहे 3D प्रिंटिंग लैब, मैक्स लैब, इंग्लिश लैब, कंप्यूटर लैब आदि का भ्रमण किया। उद्घाटन के वक्त डॉक्टर साहब ने बच्चों को नई मनोवैज्ञानिक के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि आने वाले युग आम शिक्षा के साथ साथ तकनीकी ज्ञान से पूर्ण होने की आवश्यकता है। डॉक्टर ईसा ने कहा कि बच्चों को अपने परिवार व समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनने का काम करना चाहिए। ये भी मेरे बच्चे ही बहुत छोटे से मैंने इनको देखा है और सबों का आशीर्वाद इस स्कूल को भी सीनियर फैकल्टी डिग्नेटरीज फ्रॉम नेक्स्ट एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शुभम एंड मिस्टर मनोरंजन ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी आरा I welcome you all in the 3 days workshop cum competition on robotronics in Gyan Jyoti Avasiya Vidyalaya. Focus on the implementation of robotics on day-to-day life. The first 2 days, the representative from Nest Education help you all to understand the basics of robotics based on Android and various parts of robotics. And on third day, based on the workshop, there will be a competition. Again, the representative of Next Education will be awarded with some educational software sponsored by Next Education India Private Limited. So once again, I thank all of you on this 3 days mega event, which is the first but not the last. Our students, Dr. Isha Sachi, and our directors from our CEO, Mr. Ajay Kumar from the Rajiv Division and Shubham from Next Education and Rajan from Next Education. I welcome you all in this learning workshop. This is the first workshop which we are going to organize from today onwards, that is robotics, with where you will see lots of different things and new things for the programming. And for you also, there are a few things which you will going to be taught and going through the program in this workshop. And for the other school students, I welcome you all in our Gyan Jyoti Avasiya Vidyalaya campus for this week. Dr. Esam Isa Sahab se nivedan karta hu ki wo hum sabko, hamare chhatron ko aur hum sabko protsahit kare, guide kare, hamara professional hai, Dr. Esam Isa Sahab. Mere liye garv hai, अंग्रेजी मेरी मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या जी बहुत झगड़ा चल रहा है हिंदी अंग्रेजी मैथिली और तमिल कन्नड़ क्या क्या नहीं लेकिन मैंने बहुत सोच के सोचा कि हिंदी क्या है मुझे लगा कि हिंदी मेरी मातृभाषा है जिन्हें मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सोच उनकी इतनी बड़ी होगी सबसे पहले उनको याद स्वर्गीय पदम राजकुमार है मुझे जब पता चला तो वर्कशॉप पर भी मैंने अतीत जी को फोन किया मुझे दूसरे दिन पता चला और ये अतीत नहीं बनाएगा ये वर्तमान भी शायद न बनाए लेकिन ये भविष्य जरूर बनाए ये बच्चे आज जो वो बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज है बहुत नई चीज है अब बहुत जरूरी चीज है और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी पढ़ाई भी इस स्कूल में होती है मैं इससे इसकी भव्यता से प्रभावित नहीं हूँ जो कुछ मैंने इस बिल्डिंग में देखा है बल्कि इसके डिसिप्लिन से भी प्रभावित हूँ और मुझे लगता है कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊं यहाँ आके ना भिखवा लूं
और ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ आपके बहुत ही गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ और आश्चर्यचकित भी लग रहा है। भगवान करे ये और विकसित हो और भगवान करे कि मेरा देश भी ऐसा ही विकसित हो। मैंने भी अपने ज़माने में जब पीएचडी की कमान संभाली थी तो यहाँ के अखबारों में मार्च से छपना शुरू हो जाता था, ज़िले फला ज़िले के लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, झारखंड में एरिया में तो नदी नालों से अच्छे अच्छे लोग पानी लाते थे, गंदा पानी और कपड़े से छान के उसको पिया करते थे। मैंने सेटेलाइट मैपिंग कराई है पूरे बिहार की, हैदराबाद की संस्था है पूरे। होता यह था कि गवर्नमेंट तो खर्च पॉलिटिकल, वो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थे, वो इतने शिक्षक थे, मुझे पुराण से लेकर महाभारत तक की शिक्षा मेरी गाड़ी में बैठ के दिया करते और इधर जब मैं चलता था यहाँ से पटना तो रास्ते भर में ऐसे कभी पुराण के बारे में कभी महाभारत था, कुछ उसमें से अब भी याद है, कुछ मैं भूल चुका हूँ, बूढ़ा भी हो गया हूँ तो भूलना तो अब मेरा समय ही आ गया है। आप में से बहुत बच्चे आपके पिता मेरे ज़माने में मेरे सहयोगी रहे होंगे, आप बड़े गर्मजोश सहयोगी रहे होंगे, मैं उनके साथ को भूला नहीं हूँ। मैंने उसको विजिट भी किया और वहाँ रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी ज़रा दिखाइए रोबोटिक्स सर, आप उससे अलग हैं, आप रोबोटिक्स जो आप कर रहे हैं वो उससे भिन्न है। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि पूरी सर्जरी हो जाती है बड़ी से बड़ी, हार्ट का ऑपरेशन भी हो जाएगा, ब्रेन का भी हो जाएगा, पेट का भी हो जाएगा, सर्जन सिर्फ उसकी मशीन पर बैठ के बटन दबाएगा और मशीन जो है रोबोट जो है वो उसको कटिंग करेगा, स्टिचिंग करेगा, सब कुछ करेगा। मैंने पूछा कि ये फॉल्ट कर दे मशीन फॉल्ट करे, बोला मशीन चेक है फॉल्ट नहीं करेगी। इंसान फॉल्ट कर सकता है, इंसान सेंटिमेंटल हो सकता है, सेंटिमेंट में फॉल्ट कर सकता है, लेकिन ये मशीन फॉल्ट नहीं करेगी, अब परफेक्ट सर्जरी।